हेलो दोस्तों, आप देख रहे जो कैनन का प्रिंटर है, इसमें पूरा इंक खाली हो गया है। आप अगर इसका देखेंगे तो पाइप में पूरा इंक खाली हो गया। तो इसमें किस तरह से सप्लाई करना है तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको इसी तरह से देखना है लाइव के कैसा इंक सप्लाई हो, तो यहाँ पे जो इसका लॉक रहता है, तो लॉक के अंदर अगर आप कागज़ का कूड़ा कोई फोल्ड करके उसमें लगा देंगे तो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। तो ये आपका कैनन का G3010 प्रिंटर है। तो इसको आपको स्टूल वाला है उसके ऊपर प्रेस करना है, और प्रेस प्रेस करके उसको 10 नंबर करना है। उसके बाद आपको कलर जेरोक्स दबाने वाले को प्रेस करना है। तो इस तरह से कुछ प्रिंटर रन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपन ने लॉक लगा दिया, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी आप देखेंगे तो इंक सप्लाई होना स्टार्ट हो गया पाइप में। इस तरह से कुछ रनिंग 5 मिनट तक आपका प्रिंटर कंटिन्यू चलता रहेगा, ताकि ये इंक पाइप से लेके हेड तक सप्लाई हो जाता है पूरा। तो आप देखेंगे तो ये ब्लैक वाली इंक धीरे धीरे अंदर सप्लाई हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम रेगुलरली जो इस तरह से कोई नए अपडेट आते हैं, नए प्रिंटर्स की हेड क्लिनिक हो गया, कोई सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप किसी को करने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8799143604 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए अभी जो है पाइप लिंक सप्लाई हो रही है।